मैं एक बार जरा बता दूं, एक बार मैं जरा बता देती हूं कि हमारे साथ गोरखपुर, क्योंकि कल एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर भी है और गोरखपुर से हमारे साथ सांसद रवि किशन जुड़ रहे हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, कल उनके सीट पर वोटिंग होनी है। लोकप्रिय अभिनेता हैं, अब सांसद हैं, और रवि किशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं आपसे पूछूंगी, यूपी में क्या हाल बा और देश में क्या हाल बा? थैंक यू सुचारिता जी। क्या क्या हाल चल रहा है इस बार यूपी में, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं। यूपी में बम बम बा, विकास के गंगा बहत बा, मोदी योगी जी के पूरा सच्चाई के सत्यता के खेल बा, और ओकरा अंदर राम मंदिर, प्रभु राम के आशीर्वाद बा, और विरोधियन के लोगन के जिंदगी झंड बा। ये लोग पूरा उत्तर प्रदेश के देश के लूट के बैठ गई ना, खा के बैठना। हम जाने चाहें कि इन लोगन के कौन बात के घमंड बा, किस बात का घमंड है, कह रहे हैं रवि किशन के इन लोगों को किस बात का घमंड है। अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, इस बार यूपी की 80 सीटें रवि किशन जी, कहा जाता है जो जीत लेता है वही दिल्ली की कुर्सी पर राज करता है। हमने पिछली बार से देखा है 14 में भी 19 में, इस बार क्या आकलन है आपका यूपी को लेकर? 80 सीटें कितनी आ रही हैं आपके खेमे, कितनी ला रहे हैं आप लोग? एकाध सीट सुचारिता जी मुझे छटक जाएगी एकाध, लेकिन मैं पूरे के पूरा विश्वास है कि 79 to 78 सीट वी आर गेटिंग इट वेरी इजीली, बिकॉज हम लोगों के काम लाभार्थी की चीज़ें। मैं गाँव की राजनीति, गोरखपुर अगल बगल के 12 जिलों को मैंने जितना मेरा आकलन है, एवरी वुमन, एवरी हाउस होल्ड, हर माँ बहन बेटी, एवरी यूथ मोदी जी को अपना नेता मानता, क्योंकि मैं डायरेक्टली पूछता भी हूँ, आपको राहुल गांधी जी चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, स्टालिन चाहिए, शरद पवार साहब चाहिए, लालू यादव चाहिए, अखिलेश यादव जी, उन लोग बोलते हैं नहीं। मैं उनको नाम भी बताता हूँ कि 26 लोगों का दल जो आया है, सॉरी दल आया है, मैं उसमें से आपको बताऊँगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर। तो लोग बोलते हैं, और थोड़ी देर पूछ लेता हूँ कि तहीं तो ही बतावा के चाहिए तोरा के चलाई 140 करोड़ का देश के, कौन चलाएगा, कौन आतंकवादियों को अपने घुटने पे टेक कर उनके छाती पर जूता रख सकता है, बताओ मुझे कौन है जो विश्व, पूरे विश्व में हर बड़े बड़े नेताओं को ये कहने पे मजबूर कर दे कि योर बॉस, योर द फ्यूचर, आप भारत अब अगला फ्यूचर है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, योगी आदित्यनाथ और आपकी जो केमिस्ट्री है उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, जो जुगलबंदी है उसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। मैं पूछूंगी आपसे, ये आपका वोट है या योगी आदित्यनाथ का वोट है यूपी में गोरखपुर की सीट? जब वोट यहाँ पर मोदी जी, योगी जी का, पूज्य महाराज जी का, मैं एक सेवक हूँ और मैं नेता नहीं बन सकता, मुझे लगता है मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मैं कलाकार के रूप में भी सेवा कर रहा था, सबके दुख हरता हूँ, सबको आनंद देता हूँ, कई सालों से टीवी पर या पर्दे पर आके, यहाँ भी मैंने वही, तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ जरा। यहाँ पर ये मंदिर की मठ की सीट है, परंपरागत जो चली आ रही है, मुझे उसकी सेवा करनी है। तो कहीं पर कोई सपने, फालतू के सपने इरप्ट नहीं होते, क्योंकि मैं दुनिया की सारी शोहरत दौलत देख के आया हूँ, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं जो पगला सकती है, मुझे अट्रैक्ट करो, ओ दीवाना बस, सारे महादेव अपने को सारे डमरू बजा चुके हैं मेरी जिंदगी में, मैं सब डमरू उमरू पूरा नगाड़ा नाच वाच के पूरा तांडव करके यहाँ आया हूँ। तो अब यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, खुशी मिलती है को माँ बोलती कि मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई, आपने अस्पताल दिया। आपने रवि किशन जी, आपने क्योंकि बात की मठ की और आपने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक तरफ ध्यान में लीन है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां वो ध्यान में लीन है, हाँ वो जहां पर लीन है कन्याकुमारी में, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर बहुत सारे वार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना अटैक है उस ध्यान पर? हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी तो रहे पूरे जीवन, ये राम विरोधी रहे, मंदिर विरोधी रहे, सनातन विरोधी रहे, हिंदुओं को देखना कौन चाहता था, ये वही विरोधी है जो विरोध कर रहे हैं। हिंदू नाम से इन लोगों को मिर्गी के झटके आते हैं, भगवा ये कलर इसलिए पहन लेता है, ऐसा देखते ही लोग कोमा में चले उछल, ऐसा ऊपर से उछल उछल के 3 फीट नीचे गिरते हैं, जैसे मैं कंधे पे डालता हूँ या मैं तिलक लगाता हूँ
पगला जाते हैं या हाथ में ये देख लेते हैं तो वैसे मिर्गी के झटके आने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेत है, उनके अंदर पिशाच आत्माएं हैं, तो वो सब लोग हमको पा लेते हैं तो एकदम फिर एकदम आत्मा बुरी आत्मा हमको देखेगा तो पगलाएगा ही ना। अब वो प्रधानमंत्री को ऐसे देखेगा तो सारे भूत पिशाच तो नाचेंगे ही ना। ये सब बुरी आत्माएं हैं, सब भूत पिशाच हैं, सब शैतान लोग। ये सब बुरी आत्माएं हैं आप कह रहे हैं। रवि किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं और कल क्योंकि आपकी सीट पर वोटिंग भी होनी है। सिर्फ यहां पर चर्चा यही हो रही है कि इस बार 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार, जैसा कि दावा कर रहा है विपक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार जरा सीधे वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, अजय यादव जी के पास जाऊंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, लालू यादव जी की बेटी, वहां पर पहले अजय जी के पास चली जाती हूँ। अजय जी जरा बता दीजिए, लालू यादव जी की बेटी मीसा भारती बार बार उस सीट पर चुनाव लड़ती हैं, वो हार रही हैं। तीसरी बार कल वोट चुनाव है और चाचा जी सामने हैं। अब मुझे ये बताइए कि उस सीट पर जो समीकरण है, ऐसा क्या है कि आपको लगता है आखिरकार वो सीट जीत जाएंगे? दो बार से तो वो हार रही। सुश्रीता जी, इस बार निश्चित रूप से मीसा भारती जी जीत रही है। पिछले बार भी अगर वो हारी थी तो एक बहुत छोटी सी मार्जिन से वो हारी थी, और इस बार जिस तरह से वोटर्स में उत्सुकता है, जिस तरह से लोग बढ़ के आ रहे हैं और जिस तरह से राजद का मैनिफेस्टो है, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, गैस सिलेंडर का प्राइस के बारे में चर्चा हो रही है, जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल और रोजगारी देने की बात हो रही है, जनता खुद आगे बढ़ बढ़ करके आ रही है। और इस बार मीसा भारती सिर्फ जीतेंगी ही नहीं, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगी। पिछली बार हल्की सी चूक हो गई, पिछले बार भी वो जीत जाती, जीतते जीतते वो रह गई, और इस बार तो वो लाखों के मार्जिन से जीत करके आने वाली है। मैं आप ये कह रही हूँ, मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी से एक टिप्पणी ले दूं। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव, लेकिन वहां तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं चार तारीख को चाचा जी फिर पलट जाएंगे, चार तारीख को फिर पलटेंगे चाचा जी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी को सपने देखने से कौन रोक सकता है? अब नवरात्रि में मछली खाने वाला सपने तो देख ही सकता है, और उनकी जो दशा है कि जवानी में ही उन पर जिस तरह से बुढ़ापा छा गया है, वो जान रहे हैं कि हार भयंकर होनी है। और उस दारुण पराभव के पहले जो कुछ उनको बोल वचन देना है वो बोल वचन दे ले। हमारे मुंबई की भाषा में कहा जाता है कि बोल वचन देने के लिए हर कोई आज़ाद है, तो बोल वचन दे रहे हैं वो। और उसके बाद जो है, आपको ध्यान ही होगा कि 2019 में कैसे खाता भी नहीं खुला था, इस बार भी उनके खाता खुलने के ही जो है किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ बातें करने थे, कौन मटन पार्टी वगैरह करते रहे अपना भी। इसके बाद जो है, अब वो मटन की रेसिपी जो है राहुल गांधी को बुला, क्योंकि दोनों फुर्सत में हो जाएंगे। बस इतना ही है कि श्रीमान तेजस्वी यादव जो गरीबों की रोजगार देने के नाम पे ज़मीनें उन्होंने कब्जाईं, उनमें वो जेल की जो जेल उनकी प्रतीक्षा में है, और एक बार जब जेल जाएंगे तेजस्वी और जब उनको कन्विक्शन हो जाएगा तो बेचारे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो तेजस्वी यादव जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार में कोई जो है चुनाव लड़ने की पात्रता को प्राप्त रहेगा। ये सारे लोग जो हैं वो जब कन्विक्शंस हो जाएं से लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो चारा चोरी के मामले में 5-5 मामलों में कन्विक्ट हो गए, तो सजा याफ्ता अध्यक्ष की पार्टी के परिवार का कोई व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत में जो है चुनाव लड़ने की पात्रता को भी प्राप्त रहेगा क्या? ये उनके लिए बड़ा प्रश्न है।